हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों को, ऐसे रेलवे स्टेशनों को जो सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म के मामले में जो भारत के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन हैं, साथ ही इन स्टेशनों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी हम आपको देंगे इस वीडियो में। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर रहिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। यहां आपको हर रोज नॉलेज से भरपूर एक नई वीडियो देखने को मिलती है। अपने भारत में यात्रा करने के लिए भारतीय रेलवे का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने बड़े और लंबे प्लेटफॉर्म भी बनाए हैं। भारतीय रेलवे में लगभग 1,23,542 किलोमीटर की ट्रैक और लगभग 750 रेलवे स्टेशनों के साथ दुनिया के तीसरे स्थान पर है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा रेलवे नेटवर्क है जो सिर्फ एक बॉडी रेल मंत्रालय द्वारा ही चलाया जाता है। सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के मामले में 2023 के अंदर हुगली रेलवे स्टेशन भारत में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है। इसके बाद गोरखपुर रेलवे स्टेशन, कोलम रेलवे स्टेशन, खड़गपुर जंक्शन और बिलासपुर रेलवे स्टेशन का नंबर आता है। हालांकि जब बात होती है सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह आंकड़े कुछ बदलते जाते हैं, जिन्हें आप आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। भारत के सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में पांचवां सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में कुल 16 प्लेटफॉर्म है, जिसमें यह भारत का पांचवां सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश का चौथा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, जहां से प्रतिदिन 350 से भी अधिक ट्रेनें निकलती हैं, जिसमें से 5 लाख से भी ज्यादा लोग सफर करते हैं। सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म के मामले में भारत का चौथा रेलवे स्टेशन है तमिलनाडु का चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में कुल 17 प्लेटफॉर्म है। चेन्नई रेलवे स्टेशन देश के सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशनों में से भी एक है। चेन्नई रेलवे स्टेशन दक्षिण भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। यहाँ से लगभग 200 लंबी ट्रेन और 257 लोकल ट्रेन प्रतिदिन इस स्टेशन से निकलती है, जिसमें प्रतिदिन 5,50,000 से भी अधिक यात्री सफर करते हैं। सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म के मामले में तीसरे स्थान पर आता है मुंबई महाराष्ट्र का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन। यहां कुल 18 प्लेटफॉर्म है। छत्रपति शिवाजी या CST भारत के व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है और इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर के रूप में भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म के मामले में दूसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल का सियालदह जंक्शन रेलवे स्टेशन। सियालदह रेलवे स्टेशन पर कुल 20 प्लेटफॉर्म है, जहां से प्रतिदिन 1,60,000 से भी ज्यादा लोग यात्रा करते हैं। भारत का सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म के मामले में नंबर वन पर आता है पश्चिम बंगाल का ही हावड़ा जंक्शन। यहां कुल 23 प्लेटफॉर्म है, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनता है। प्लेटफॉर्म के आधार पर यहां से प्रतिदिन 10 लाख से भी अधिक लोग यात्रा करते हैं। हावड़ा से हर रोज 286 ट्रेनें निकलती है। जी हां दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया सीखते हैं।